दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अभिनव ना, समर्थ फैमिली ब्लॉग तो कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ब्लॉग के कर लेते हैं चलिए स्टार्टिंग तो अभी मैं आपको बता दूँ सुबह का ही टाइम है साढ़े दस बजे हैं और आज ना मैंने फटाफट से सारा घर का, का काम कर लिया है भाई ताकि मुझे आज ना कुछ स्पेशल बनाना है मतलब सीखना है बनाना तो चलिए उसकी तैयारी बाद में करेंगे पहले मैं आपको बता दूँ ये सुबह में ना मैंने गेहूँ भी धुले थे तो इनको सुखा देती हूँ क्योंकि दो तीन दिन का ही आटा रह गया है तो तब तक ये सूख जाएंगे जब तक इनको पिसवाने का टाइम आएगा और धूप कभी यही हाल है कभी बादल हो जाते हैं कभी छाया सी लेकिन आज ठीक ठाक है धूप बीच बीच में हो जाते हैं बादल लेकिन अच्छी खासी धूप है तो ये शाम तक खूब अच्छे से सूख जाएंगे और मैंने इनको ना मतलब बिल्कुल पतली सी जो बेडशीट होती है ना उस पर डाला हुआ है तो बस अच्छे से इनको फैला दिया और देखिए अब बिल्कुल जैसे ना छाया होगी मतलब बादल से हो गए हैं तो यही हो रहा है कभी धूप आ रही है कभी बादल हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये अच्छे से ना आज सूख जाएंगे गर्मी बहुत है आज और और ये जो टावल थे सुबह से यहीं पे पड़े हुए थे धूप में इनको अच्छे से धूप लग चुकी है और मैं इनको अंदर टांग के अब आ गई हूँ किचन में सारा काम मैंने ना कर लिया था सुबह में आज फटाफट से क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं आज काम करने वाली हूँ ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बच्चे गए हुए हैं स्कूल आज तो जब तक उनको स्कूल से लाने का टाइम होगा ना तब तक मैं ये जो काम करने लगी हूँ तो ये हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे चासनी बना रही हूँ और चासनी के लिए एक कटोरी चीनी ली है उसमें पानी डालना और इसको बनने के लिए रख दिया गैस पे और बता ही दो मैं आपको क्या बना रही हूँ वैसे आपने छोटी सी क्लिप आगे की देख ली होगी बना रही हूँ भाई घेवर और फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ देखते हैं करके देखते हैं होगा ठीक है नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही अगर ये ही सोचूं कि नहीं मतलब मुझसे नहीं बनेगा नहीं मुझे कभी बनाया नहीं है तो उस चीज़ का तो कोई मतलब मतलब ही नहीं है कहते हैं ना गलतियों से ही सीखते हैं अगर गलती भी होगी तो कुछ ना कुछ फिर भी सीखने को मिलेगा कि हमने ये गलती की थी तो चल अगर अगली बार बनाऊँगी तो ये गलती नहीं करेंगे बस ये के मैं कैसे कैसे बना रही हूँ देख के ही सीख रही हूँ जैसे जैसे आपको पता ही आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मतलब सीखने को मिल ही जाता है तो यहाँ पे देखे घी लिया है देसी घी लिया है और साथ में बर्फ लिया है और प्रांत में डाल के इसको पहले अच्छे से दोनों को इनको मिक्स करना है वैसे जो ये मैं कर रही हूँ ये ना उसमें भी कर सकते हैं क्या बोलते हैं अपनी मिक्सी में भी कर सकते हैं लेकिन मतलब ये कहते हैं कि ना इसको अगर हाथ से करो तो वो, वो ज़्यादा अच्छा होता है तो कम से कम पाँच मिनट तक मैं इसको ऐसे मिक्स करूँगी और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा ना मक्खन बन के तैयार हो जाएगा और उधर बन रही है गैस पे चाशनी तो जब तक वो एक तार की चाशनी बनेगी ना सिर्फ वही जो गुलाब जामुन वाली चाशनी बनाते हैं ना वो उतनी ही बनानी है तो वो तो आती ही है मुझे बनानी बस इसका ही थोड़ा सा लग रहा था कि देखिए देखते हैं करके क्या होता है तो यहाँ पे देखिए मैदा ले लिया और ये वही मैदा है जिसको मैंने कल सुखाया था कल के व्लॉग में आपको दिखाया ही था तो पहले थोड़ी थोड़ी मैदा करके इसमें मिक्स कर लेनी है और बिल्कुल ठंडा ही फ्रिज का पानी इसमें डाल डाल के इसका अच्छे से ना पेस्ट बना लूँगी मतलब मुझे ना आठ दस मिनट तक मैंने इसको खूब अच्छे से फेंटा इसमें मैदा डाल के और जो ये मक्खन वगैरह जो था सारा कुछ था और ये देखिए बिल्कुल एकदम ना सॉफ्ट सा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो गया था बैटर ये तो चलिए इसको अच्छे से पहले फैट लेते हैं और वही पहले ना थोड़ा ही बनाया मतलब तीन बनाए थे वो जो चक्कर से बन जाते हैं ना घेवर के वो तीन ही बनाए थे ताकि आ, बस वही बोल रही हूँ कि ना अगर खराब हो तो थोड़ी ही चीज़ ख़राब हो ज़्यादा ना हो वैसे टच वोड सच में ख़राब नहीं हुए थे तो मैंने बहुत पेशेंस के साथ बनाया है सारा कुछ धीरे धीरे तो वहाँ पे घी गरम हो रहा है और मैंने ये जितना भी सारा बैटर था ना इस वाली बोतल में भर लिया है और इसमें कर लिया है छेद देखो तो इससे डाल के बनाऊँगी तो चलिए बनाते हैं घी गर्म हो गया है चार भी लगभग बनने वाली है थोड़ी सी कसर है तो पहले इसे बना लेते हैं तो चलिए बनाना करते हैं शुरू तो यहाँ पे ना घी जब पूरा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा करके ये डालना होता है क्योंकि इसमें ना जैसे जैसे आप धीरे धीरे डालोगे तो झाग बिल्कुल ऐसे ऊपर आते हैं ना बहुत ही तेज़ी से और घी जो होता है ना वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए तभी ये आपका अच्छा बन पाएगा और मैं आपको बता दूँ जो पहले वाला था ना वो बहुत ही अच्छा बना था सच में लेकिन जो बाद के दो बनाए जैसे मैंने आपको बताया कि तीन ही बना पाई थी तो तो वो थोड़ा सा आ, मतलब जैसे टूट गए थे टूटे ही हैं बाकी टेस्ट वाइज तो सारे सेम ही थे लेकिन ये जो इसका जो सेप आई थी ना वो बहुत मतलब अच्छी आई थी तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर बीच में ना चाकू से इसमें मैंने होल किया और ये हो गया है बन के तैयार और इस टाइम मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं था भाई सच्ची कि ना मुझे लगता है कि भाई चल मैं कोई काम कर रही हूँ तो हंड्रेड नींद तो कम से कम नाइन्टी या एटी परसेंट तो कामयाब होना ही चाहिए तो वो मैं हुई भी इस काम में तो सावन का महीना है वैसे भी हमारे यहाँ की ये फेवरेट आ, मतलब मिठाई है तो चलिए नेक्स्ट बना लेते हैं ये बनता है दूसरे तो वाला एक बन चुका है और मैं इसमें ये लिया देखो ये बिल्कुल थोड़ी सी इसी के हिसाब से क्योंकि थोड़ा ही हैं ना तीन ही बनेंगे ये चक्कर से फून लगा लेते हैं पहले तो ये देखिए ये मैंने ले लिया यहाँ पे दूध और इसमें ये सिर्फ दस रुपये वाला है दूध का जो पाउडर आता है ना वो इसी से ही बनाऊंगी जो इसके ऊपर मलाई सी लगाते हैं ना वो तो ये देखिए इसमें मिक्स कर लूँगी और घेवर को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रबड़ी बनाई है सिंपल सी वही ताजे दूध की मलाई ले ली है थोड़ी सी कल की भी ली थी क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था और इसमें एक ही पैकेट डाला है दूध वाला तो इसको अच्छे से ना मिक्स करके बहुत ही अच्छे से ये भी बिल्कुल मतलब अच्छी लगती है इस तरह से बनाई हुई और थोड़े से इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स उसको ऊपर से ना घेवर को डेकोरेट करने के लिए बिल्कुल वही लुक देने के लिए ताकि देखने में अच्छा भी लगे और खाने में तो टेस्टी होता ही है किस किस को घेवर पसंद है जरूर कमेंट करके बताना हमें तो बहुत पसंद है और हमारी साइड इन दिनों में जैसे सावन का महीना लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आजकल जो जो तीज की और कोथलियाँ चलती है ना तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा घेवर का ले जाने की ना परंपरा है हमारे इधर तो यहाँ पे ना मैंने जो अभी राशन ले आई थी तो उस दिन ना ये जो पैकेट थे ड्राई फ्रूट्स के ये अभी तक नहीं खोले थे मतलब डब्बे में जिनमें भर के रखती हूँ तो नहीं रखे थे तो इनको ही खोल के ना इसमें भर के रख रही हूँ आज क्योंकि कुछ ना थोड़े से पहले भी रह गए थे तो तब तक जो सामान पहले ख़त्म नहीं होता ना तो मैं नेक्स्ट नहीं डालती तो आज वो ख़त्म हो गए थे तो मैंने उनको भी भर के रख दिया है और इनको यहाँ पर कट कर लूँगी पाँच छः ही ले ली हैं बादाम और थोड़े से ना पिस्ता ले लिया बस यही दो चीज़ें लूँगी और इन्हीं से उसके ऊपर इनको लगा दूंगी आपके पास जो है वो लगा सकते हो लेकिन मेरे पास अभी ये ही थे और किशमिश भी थी लेकिन किशमिश मैंने लगाई नहीं क्योंकि उनका स्वाद भी ना थोड़ा सा ना मीठा होता है तो ये वैसे भी मीठे ही हो जाते हैं तो बस यहाँ पे बीच बीच में उसको चेक भी करती जा रही थी इनको कट कर रही थी तो ये देखिए जो ये सेकंड नंबर वाला है ना ये कुछ इस तरह से बना था थोड़ा सा ना बीच में से जैसे खाली खाली हो या तो मुझ मेरे से ना डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी होगी पता नहीं वैसे मुझे भी नहीं समझ आया इस तरह से क्यों बना लेकिन ठीक है जैसा भी बना मैं खुश हूँ कि आज मैंने ये बनाए हैं तो ये सबसे लास्ट वाला था तो ये ना थोड़ा सा साइड से चिपक जाता है तो चाकू से ना इसको नीचे दबाना होता है तो इस तरह से करके ये देखिए सारे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं तो अब कर लेती हूँ इनकी प्लेटिंग तो चलिए प्लेटिंग में इनको अच्छे से डेकोरेट करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने ना सारा सामान रख लिया है ये है ड्राई फ्रूट्स ये है रबड़ी जो मैंने अभी बनाई है और ये है साथ में चासनी और चासनी आपको वाइट इसलिए दिख रही होगी क्योंकि ना इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था आधा कप ताकि ना जो चीनी का मैल होता है ना वो इसको साफ़ कर दे और बहुत ही अच्छे से चासनी बन जाए और किचन पूरी फैल गई है और इस तरह का काम करते हैं किचन का फैलना बनता ही है भाई और टाइम हुआ है अभी साढ़े बारह तो बच्चों को लाने में अभी एक घंटा है तो एक घंटे में मुझे ये अब बाकी के काम करने हैं और खाना ना आज मैंने सुबह में ही बना दिया था बच्चों का सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी तो सिर्फ रोटी रोटी बनानी है तो रोटी बनाऊँगी अब लेकिन उससे पहले कर लेती हूँ घेवर की प्लेटिंग क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना है और सिर्फ एक की ही करूँगी यहाँ पर बाकी जो दो बच्चे हैं ना उनको जब खाएंगे तब उन पर फिर से ये जो रबड़ी होती है ये लगा लेंगे और फिर जब खाना होगा तब खा लेंगे लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक ही ले रही हूँ यहाँ पे और खूब अच्छे से देखिए इसके ऊपर लगा लिया ये रबड़ी और इस पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल लेंगे इस तरीके से तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके मेरी जो पहली मेहनत पहली जो कोशिश मैंने की है वो कामयाब हुई कि नहीं आप भी ज़रूर बताना तो देखे कितना मतलब देखने में ना मतलब टेस्टी सा लग रहा है और यहाँ पे ये जो क्लिप है ना ये इसकी जो साउंड थी वो पता नहीं मुझसे कैसे आ, मतलब बंद होगी तो मैं यही आपको बोल रही थी अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बब्बाई टेक केयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ तो चलिए ओके बब्बाई टेक केयर